कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और इस दौरान श्रीमद् भगवद् गीता के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने और इसके महत्व को समझाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गीता के श्लोकों से गुंजायमान पूरा वातावरण एक अलौकिक छटा उपस्थित कर रहा है। गीता के श्लोकों से गुंजायमान वातावरण, जी हाँ, ये दृश्य है हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 18,000 स्कूली बच्चों ने गीता पाठ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन भी महोत्सव से जुड़े। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हरियाणा और असम का नाता जोड़ते हुए कहा कि भगवान कृष्ण हमारे दामाद हैं, क्योंकि उन्होंने असम की बेटी रुक्मिणी से विवाह किया था। कृष्ण ने गीता का बानी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया। ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के सुंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हरेक को आशा बंधी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत ये दुनिया को बचा सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम मंडप का भी दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं।